हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि फिल्मोरा या फिर कोई और एडिटिंग प्रोग्राम पहले यूज़ करते थे और उन्हें अब लेवल अप होना है और एडोबी प्रीमियर प्रो यूज़ करना है, लेकिन वो एडोबी प्रीमियर प्रो के थोड़े ख़तरनाक से इंटरफेस को देख करके थोड़ा डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि भाई उसको ना ही यूज़ किया जाए, वापस से अपने बेसिक वाले प्रोग्राम पर आए। लेकिन मैं ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए ही स्पेसिफिकली बना रहा हूँ। इसमें मैं इंटरफेस कवर करूँगा और बेसिक कुछ एडिटिंग टूल्स जो कि आपको प्रीमियर प्रो में मिलते हैं वो इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने प्रीमियर के आइकन पर क्लिक कर दिया है। मैं यूज़ करता हूँ प्रीमियर प्रो CC 2017, तो ये मेरा वर्जन है। आप हो सकता है किसी और वर्जन पे हो, लेकिन अभी जो मैं आपको पते बताने जा रहा हूँ उसके लिए वर्जन से मतलब नहीं होता है। तो जैसे ही प्रीमियर प्रो क्लिक करते हैं ये विंडो पॉपअप होके आती है, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट और ये जो हैं सारे ये आपके पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम हैं। इससे अपने को कुछ भी काम नहीं है, अपने को इधर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने का है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और ये हमसे बोलेगा कि प्रोजेक्ट का अपना नाम दीजिए। मैं इसको नाम दूंगा ट्यूटोरियल, आप कुछ भी दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद ये सेव का लोकेशन पूछेगा कि ये आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है कहाँ पे सेव होगी। तो मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ एडिटिंग ट्यूटोरियल और सेलेक्ट फोल्डर, ओके। और बाकी ये सारी कुछ भी सेटिंग्स आपको अभी यहाँ छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सीधे ओके क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने ओके क्लिक किया सॉफ्टवेयर के अंदर आप घुस गए, इंटरफेस पे मेन पहुँच गए और इस इंटरफेस पे जाकर के आपको चार विंडोज़ दिखती हैं, चार पाँच विंडोज़ दिखती हैं ब्रॉडली जो कि हम यूज़ करेंगे। ऊपर मेन्यू बार है जहाँ बेसिक से कुछ मेन्यू दिए हुए हैं। दिस इज़ द सोर्स विंडो जो कि इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल विंडो भी है और सोर्स विंडो भी है, दो टैब्स हैं, दोनों को क्लिक करके हम अलग अलग चीज़ें इसमें से देख सकते हैं। दिस हेयर इज़ द प्रोग्राम विंडो, दिस हेयर इज़ द टाइमलाइन, दिस हेयर इज़ द टूल बार। ये टूल्स जो हैं बेसिक टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट यूजिंग दिस प्रोग्राम Adobe Premiere Pro। ये इसका बैकबोन है भाई, ये कुछ जो चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये जो विंडोज़ हैं ये बहुत ही बैकबोन चीज़ें हैं इसकी। तो ये टूल बार है और ये है प्रोजेक्ट विंडो, यहाँ पे हम जो भी फाइल्स लाके यहाँ पटक देंगे उठा करके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इम्पोर्ट करने के लिए फाइल को, कैंसिल करके हम फाइल पे जा करके इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल आई इज़ द शॉर्टकट की। यहाँ मैंने कुछ फाइल्स पहले से सेलेक्ट करके रखी हुई हैं कि जिनका यूज़ करके मैं आपको आज एक छोटा सा एडिट क्रिएट करके दिखाऊंगा। और फाइल्स को अगर आप रीनेम कर लेते हो तो उससे आपका काफ़ी फाइल्स को सॉर्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है अगर आप रीनेम कर लोगे फाइल्स को अपने। तो फाइल्स को सेलेक्ट करने के बाद जो भी इंपोर्ट करानी हो ओपन पर क्लिक कर देंगे इंपोर्टिंग फाइल्स और यहाँ देख सकते हैं आप फाइल्स इंपोर्ट हो गई हैं। थोड़ा सा टाइम रुक जाइए, ये फाइल्स को रीड करने के लिए प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद देखिए ये फाइल्स हमें टाइल्स के फॉर्म में दिख रही हैं अलग अलग, उसको लिस्ट व्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को क्लिक करना होगा, दिस इज़ द आइकन व्यू एंड इसके बगल में जो है लिस्ट व्यू फाइल्स का। फॉर एग्जांपल अब अपने को और काम शुरू करना है इसमें, तो स्टिल माउंटेंस करके एक फाइल है, मैं इसको पहले यहाँ से उठा करके अपनी प्रोजेक्ट विंडो से टाइमलाइन पे ट्रैक करके फेंक दूंगा। तो ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेगा प्रीमियर और इस सीक्वेंस की जो सेटिंग होगी दैट विल बी एग्जैक्ट सेम सेटिंग्स जो कि इस स्टिल माउंटेन फाइल की है। उसका जो फ्रेम रेट है, उसका जो रेजोल्यूशन है, स्क्रीन रेजोल्यूशन है, वो सारा कुछ इस प्रोजेक्ट पे, इस सीक्वेंस पे ऑटोमेटिकली ले लेगा प्रीमियर। नाउ ये हमारे टाइमलाइन पे फाइल आ चुकी है, ये हमारा प्लेहेड होता है और इस प्लेहेड को हम पकड़ के ड्रैग करेंगे तो फाइल में जो चीज़ें हैं वो हमें इस प्रोग्राम विंडो में दिखती हुई नज़र आएंगी जहाँ पे जो जो होगा। स्पेस दबाएंगे तो ये प्ले होने लगेगा, ये एक मार्क करने वाली चीज़ है यहाँ पे। और ऑल्ट दबा करके अगर हम स्क्रोल अप करेंगे तो हम अपनी टाइमलाइन में जूम इन होते जाएंगे, प्लेहेड की पोजीशन कहाँ है वो यहाँ पे शो करता है। तो हमने टाइमलाइन को जूम किया या देखो एक एक सेकंड का आपको डिफरेंस मिल गया फाइन एडिटिंग करने के लिए। ऑल्ट प्लस जूम आउट, थोड़ी सी टाइमलाइन श्रिंक हो गई है
अब हमें फॉर एग्जांपल इसको प्ले करते हैं क्लिप को, और मैं वो थोड़ा सा पार्ट इस क्लिप का सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे थोड़ा सा मोशन होता है, थोड़ा मूवमेंट है कैमरे में, लाइक दिस। ये जो पैन है, आई लाइक दैट पैन, यहाँ से लगभग शुरू हो रहा है। अब अगर हमको इसको यहाँ पे कट करना है तो अपने टूल बार में हम वापस आते हैं, टूल बार की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला की है सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट की है वी, और इसके नीचे जो थर्ड वाला है वो है रेजर टूल, जिसका शॉर्टकट की है सी। अपने को बेसिकली ये दो तो पहले दिन आज मैं आपको सिखाऊंगा ही, ये दो टूल्स तो आप कवर करोगे ही, क्योंकि इनके बिना तो प्रीमियर प्रो में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अभी हम सिलेक्शन टूल पे, सिलेक्शन टूल हमें हेल्प करता है किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये तो हो गया सिलेक्शन टूल का मामला। अब अपने को अगर यहाँ पे कट मारना है तो हम रेजर टूल पे जाते हैं या फिर शॉर्टकट की सी दबा देते हैं, तो रेजर टूल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। और अपने को यहाँ पे कट मारने का था तो इसके ऊपर जाएंगे और क्लिक कर देंगे सिंगल, तो इधर आप देख सकते हो एक कट बन गया। और कहाँ से कहाँ तक चाहिए, राइट, थोड़ा सा जूम इन, राइट, जहाँ तक मोशन है वहीं तक। सो अपन ने आगे वाला भी कट एक लगा दिया। अब इस कट टूल से वापस जाएंगे, रेजर टूल से वापस अपने टूल बार पे आएंगे, सिलेक्शन टूल पे, या फिर हम वी दबा देंगे तो सिलेक्शन टूल ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड हो जाएगा। ये पार्ट पे क्लिक करेंगे जो कि अनवांटेड पार्ट है, क्लिक करने के बाद दबाएंगे डिलीट, या फिर बैक स्पेस भी दबा सकते हैं। और ये भी पार्ट अनवांटेड है, इस पर क्लिक करके मारेंगे डिलीट। अब अच्छा, जो ये खाली जगह आ गई है टाइमलाइन की स्टार्टिंग वाली जगह, ऑल्ट करके जूम आउट करेंगे, टाइमलाइन को श्रिंक करेंगे। और या तो हम एक काम ये कर सकते हैं, इस क्लिप को पकड़ के ड्रैग करके स्टार्टिंग में ले आएँ, या फिर ये जो खाली स्पेस है इसको अपने सिलेक्शन टूल पर ही जाके सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, तो ये खाली स्पेस भी आइटम की तरह डिलीट हो गई है। अब हम सेकंड क्लिप अपनी लाते हैं। नहीं, ये क्लिप नहीं चाहिए मेरे को ये वाली क्लिप चाहिए, हाँ राइट। और हाँ, इस क्लिप को क्लिक करते हैं, प्ले करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे कुछ मूवमेंट आ रहा हो। पुरानी वीडियोज़ ऐसे देखो तो यार मेमोरीज़ ताज़ा हो जाती हैं। अब तो इट्स कोरोना टाइम, वी कैन नॉट गो आउट, नो ट्रिप्स, नो पिकनिक्स, राइट। तो दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे कुछ मूवमेंट मेरे को दिख रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे प्लेहेड को लाने के बाद सी दबाऊंगा, मतलब रेजर टूल पे जाऊंगा और यहाँ पे कट मारूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा जहाँ पे मैं देख रहा हूँ मूवमेंट ख़त्म हो रहा है, राइट, यहाँ पे आऊंगा, रेजर टूल पे ही रहूंगा और एक कट मार दूंगा। इसके पहले वाले पार्ट और इसके आगे वाले पार्ट अनवांटेड है मेरे लिए, तो मैं सिलेक्शन टूल पे आऊँगा या फिर वी दबा दूँगा, सेलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा, ब्लैंक स्पेस को सेलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा, क्लिप ऑटोमेटिकली इसके साथ चिपक के लग गई है। ज़ीरो पे आऊँगा स्टार्टिंग में, प्ले करूँगा स्पेस बार दबा के। अच्छा, ये जो क्लिप स्टार्ट हुई है सेकेंड वाली क्लिप, उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग के कुछ फ्रेम्स में मोशन नहीं है, स्टिल है एक जगह, लाइक यहाँ तक, मतलब एटलीस्ट यहाँ तक। तो अब या फिर मैं फिर से रेजर टूल लेकर के यहाँ कट मारूं और इसको डिलीट करूं, लेकिन एक और तरीका है जो मैं आपको सिखाना चाहूँगा। रेजर टूल के बिना भी हम इसे कट मार सकते हैं, सेलेक्ट करके और अपने कर्सर को अगर इसी क्लिप की स्टार्टिंग पे हम हवर करते हैं, उसके ऊपर लाते हैं, तो ये देखिए जो कर्सर है वो अपना शेप बदल दे रहा है, मतलब एकदम से जज्बात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है इसका और चेंज कर लेता है अपना शेप। तो जैसे ही ये शेप चेंज कर लेगा, हम क्लिक करेंगे, हाइलाइटेड हो गया रेड रेड, और पकड़ के ड्रैग कर देंगे प्लेहेड तक जहाँ तक हमें अनवांटेड चीज़ थी। तो आप इस तरह भी इसको ड्रैग करके कट मार सकते हो, प्लेहेड तक ला सकते हो। एंड में भी थोड़ा सा यहाँ तक अगर हो जाए तो राइट, इसी तरह क्लिक करके ड्रैग करेंगे प्लेहेड तक आ गया। अब यहाँ पे आप देखो, अगर थोड़ी सी चीज़ नोट करने को,
ड्यूरेशन दिखा रहा है टोटल क्लिप का 1 सेकंड 22 फ्रेम्स और हमने 6 फ्रेम्स माइनस किए हैं, 6 फ्रेम्स लेफ्ट गए हैं। ओके राइट, तो फिर से इस बीच वाले स्पेस को सिलेक्ट करके डिलीट मार देंगे तो ये पीछे आ जाएगी। अब एक बार 0 से करके प्ले करके देखते हैं कैसा आ रहा है, स्मूथ आ रहा है कि नहीं। या राइट, सो दिस इज समथिंग बेसिक, वेरी बेसिक कट लगाना विद दो क्लिप्स के बीच में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने पहले ही बोला था ये बहुत ही बेसिक सा ट्यूटोरियल रहेगा, एक इंटरफेस ट्यूटोरियल रहेगा और मोर ओवर जो थोड़े बहुत टूल बार्स हैं उनके लिए रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टेक्स्ट टूल और कुछ इफेक्ट्स और वीडियो ट्रांजिशंस। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। इन्जॉय।